Hello students, this is Richa ma'am and I am going to teach you SST today. In our previous video, we will learn about the topic Earth. This is your chapter's name, Earth, Globe and Map. This video is only for the class 5th. मैंने आपको इसके पहले इस वीडियो में आपको ये डिस्क्राइब किया था कि अर्थ क्या होता है. मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक चैप्टर आपका पढ़ाया था, कुछ वर्क भी दिया था. आई होप आप सबने वो किया होगा. अब हम आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं. व्हाट इज़ अर्थ? मैंने आपको बताया था, द अर्थ इज़ अ होम ऑल लिविंग बींग्स, इट्स सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अर्थ हमारा प्लैनेट है. हमारे प्लैनेट में से एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे जीवन है और जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो उसमें रहते हैं. और अर्थ के आसपास का जितना भी एनवेलप है, आसपास का घिरा हुआ जो पार्ट है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वातावरण. वाटर और एयर की वजह से ही, इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से ही हमारी लाइफ अर्थ पे पॉसिबल है. ये भी मैंने आपको बताया था. आपकी अर्थ का 70% आपका है कवर है, वो वाटर से कवर है, और बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो है, ये 30% है, वो आपका लैंड से कवर है. ये चीज़ें मैंने आपको समझाई थी. अब हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे. लेट्स स्टार्ट. इन ऑल देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 4 ओशियंस, smaller water bodies in and around the continents are called seas, rivers, gulf, bays, lakes, etc. There are हमारी पूरी पृथ्वी पर 7 continents हैं, 7 महाद्वीप हैं और 4 oceans मतलब 4 महासागर हैं. जितने भी स्मॉलर वाटर बॉडीज़ हैं, जितनी भी स्मॉलर वाटर बॉडीज़ हैं वो हमारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर हैं. और उन्हें हम कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? सीज़ में कुछ है, कुछ रिवर्स में है, कुछ गल्फ्स में है, कुछ बेज में है, कुछ लेक्स में है. ठीक है, तो कौन कौन से हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं? लेट्स लर्न कॉन्टिनेंट्स. एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. रिपीट, कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. हेयर आर आवर्स ओशियंस. ये हमारे ओशियंस हैं, मतलब महासागर. पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन. रिपीट, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन. ठीक है, दीज आर आवर कॉन्टिनेंट्स नेम एंड आवर ओशियंस नेम. ओके, सम ऑफ द ज्योग्राफर्स कंसीडर दैट there is a fifth ocean also, that is southern ocean. हमारे geographers ने ऐसा भी considered किया है, ऐसा भी कुछ खोज की है जिसे उन्हें लगता है कि शायद हमारा fifth ocean भी है, जो कि southern ocean के नाम से, southern ocean के नाम से मिला हुआ है. किसमें consisting of the southern most of parts of इंडियन, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन. ये जो हमारा साउदर्न ओशन है, जो ज्योग्राफर्स के कहने पे हमारा फिफ्थ ओशन माना जाता है, वो इन सब में थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है. इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन में. बट देयर इज नो हैबिटेशंस एक्सपेक्टेड ऑफ विजिटिंग साइंटिस्ट. पर कभी भी ये माना नहीं गया कि इसके अलावा भी वहाँ पर एक श्योरली ये चीज़ है. द
ग्लोब, अब आते हैं द ग्लोब पे, व्हाट इज ग्लोब। द मैन मेड मॉडल, द मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। मैन मेड मीन्स मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित किया हुआ एक अर्थ का छोटा सा मॉडल जिसे हम ग्लोब कहते, ग्लोब कहते हैं। इट्स लुक लाइक दिस, ये है ग्लोब की पिक्चर। अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ, लुक एट हियर, दिस इज़ योर मॉडल ऑफ ग्लोब। ये अर्थ का छोटा सा मॉडल, इसके ही इसकी वजह से इससे हम स्टूडेंट्स को पूरी अर्थ के बारे में नॉलेज कराते हैं। लेट्स रीड अगेन। द मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। मैन मेड मॉडल ही अर्थ होता है, मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ का मैन मेड मॉडल ही हमारा ग्लोब कहलाता है। इट गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस, ये हमारी अर्थ का एक्यूरेट पिक्चर हमें बताता है कि एक्यूरेट हमारी अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे है एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं। इट इज़ अ स्पेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शोइंग ऑल द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियंस, सीज, रिवर्स एक्सेट्रा। द ग्लोब हैज़ टू एंड पॉइंट्स, हमारी अर्थ का जो मॉडल है उसमें इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं आराम से। अपने अपने ग्लोब के मॉडल में हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, सीज, रिवर्स, ये सारी चीज़ें हम हमारे ग्लोब मॉडल में देख सकते हैं। करियर। द ग्लोब हैज़ टू एंड पॉइंट्स, ग्लोब के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट हियर एंड सेकेंड इज हियर। द नॉर्थ पोल विच इज़ एट द टॉप एंड द साउथ पोल विच इज़ एट द बॉटम। हमारा नॉर्थ पोल है वो ये नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, हमारा टॉप पे है मतलब सबसे ऊपर है, और हमारा साउथ पोल है जो साउथ पोल ऑफ द अर्थ, ये हमारा नीचे बॉटम में है। ठीक है, नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज हियर एंड योर साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज हियर। देयर इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ पोल विद द साउथ पोल, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ अर्थ। एक इमेजिनरी लाइन है जो दोनों को ज्वाइन करती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन करती है, उसे हम एक्सिस कहते हैं। ठीक, धुरी। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हिल्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। एक इक्वेटर डिवाइड जो है, इक्वेटर जो है अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है, दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर इज योर सेकेंड। दिस इज योर पिक्चर ऑफ ग्लोब, नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज हियर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज between the Asia and the North Pole of the Earth. After that your equator is here and the equator, and from equator and South Pole of the Earth between in both Southern Hemisphere. Okay? So, आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। According to this area, इस area मतलब इस chapter के इतने paragraphs से रिलेटेड मैंने आपका एक छोटा सा होमवर्क बना के रखा है जो कि आपको करना मस्ट है, आपकी कॉपी में होना ही चाहिए। लुक एट योर होमवर्क। सो दिस इज योर होमवर्क, व्हाट इज अर्थ। Our planet Earth is the home of all living beings. It is surrounded by an envelope of air called atmosphere. The presence of air and water makes life
पॉसिबल और अर्थ। दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर, ये दोनों ही आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर्स वर्क। नेम द सेवन कॉन्टिनेंट्स एंड फोर ओशियंस। सेवन कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सेवन कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका। नाउ कम टू योर फोर्थ ओशन। योर फोर्थ ओशंस आर पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये दोनों वर्क आपकी क्लास वर्क कॉपी में होना चाहिए, ओके, देख लीजिए, ओके। आफ्टर दैट दिस वर्क आई विल गिव यू द नेक्स्ट वर्क फ्रॉम योर नेक्स्ट वीडियो। आफ्टर इसके बाद मैं आपको यहाँ से लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए आप इतना लर्न करके, रिवीजन करके, लर्न करके रखिएगा, ओके। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।